हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आप देखेंगे कि सही से नाप कैसे लेंगे ब्लाउज के लिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे लंबाई का नाप। हम तो लंबाई का नाप देखिएगा दो तरीके से मैं बताऊँगी। एक ये तरीका है सीधा सीधा नापने का, तो आप जब भी सीधा नापेंगे तो इसको थोड़ा सा हल्का सा खींच के नापिए ताकि मुड़ा हुआ सीधा हो जाए। तो 13.5 इंच इस तरीके से खींचने पर हमारा ये लंबाई आ रहा है। और ये दूसरा तरीका है फ्रेंड्स, ये सीधा से थोड़ा सा तिरछा कर दीजिए वहीं से, तो इसमें भी 13.5 इंच ही आ रहा है। जिस तरीके से आप नाप लेंगे उसी तरीके से आप कटिंग करते वक्त नाप लीजिएगा और उसी तरीके से मार्किंग आपको करना है। तो इस तरीके से आप गले का देख लीजिए, इस तरीके से मैं गले का 9.5 इंच पर हमारा आ रहा है इस तरीके से। उसके बाद इसको भी आप तिरछा करके नाप सकते हैं, इसमें भी 9.5 इंच 10 इंच पर आ रहा है। तो जिस तरीके से आप कटिंग करेंगे, जिस तरीके से आप नाप ले रहेंगे तिरछा नापेंगे, तो तिरछा आपको नाप कटिंग करते वक्त तिरछा नाप के आपको मार्क करना है, और सीधा कटिंग कर सीधा नाप लेंगे तो सीधा आपको मार्किंग करना है। उसके बाद इसको देखिएगा यहाँ पे, इसको आर्म होल को देख लीजिए। आर्म होल को आपको इस तरीके से राउंड शेप पे ले जाना है इस तरीके से। देखिए 7 इंच पर आ रहा है। इस साइड को हम देख लेंगे कि इसका आर्म होल सही है या नहीं। तो यहाँ पे देखिए, ये देखिए एकदम 7 इंच पर ही, 7.25 इंच पर ये आ रहा है। तो इतना चलेगा फ्रेंड्स, थोड़ा सा इधर उधर होगा होगा। और इसका 3 है, इसका नापने का तरीका देख लीजिए। 2.5 इंच है, बीच से आपको सेंटर से आपको नापना है। और देखिए फ्रेंड्स, इसका मोहरी जितना आपका छोटा नस्तीन रहता है उतना आपका मोहरी छोटा बड़ा होते जाता है। तो इसको देखिएगा, इसको नापने का तरीका, आप चाहे तो इसका उल्टा करके आप नाप सकते हैं। इसको मैं सीधा ही नाप करके आपको दिखा देती हूँ। 6.25 इंच इसका आ रहा है मोहरी, तो इस तरीके से आप नाप सकते हैं। इसके बाद आपको इसका गला देखना है, सामने का गला। तो इस तरीके से आप सीधा नाप सकते हैं, 5.5 इंच पर इसका सीधा नापेंगे तो आ रहा है। इस तरीके से आप तिरछा भी नाप सकते हैं फ्रेंड्स। तिरछा नापेंगे तो आपको कटिंग करते वक्त भी तिरछा आपको नापना पड़ेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हम यहाँ पे चेस्ट देख लेंगे, सीना 7.25 इंच यहाँ पे सीना हमारा है। इस तरीके से आप नाप लीजिए। उसके बाद कमर का नाप देख लीजिए। कमर का नाप हम क्या करेंगे, यहाँ पे पूरा गोलाई का शेप को कमर का नाप के देखेंगे कि कितना हमारा है। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा कमर 28 इंच का आ रहा है, तो आप 28 इंच लिख लीजिए। इसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे लास्ट में आपको जो हमारा सेंटर होता है टक्स पॉइंट का सेंटर या कटोरी का जो बस्ट पॉइंट होता है उसका नाप आप इस तरीके से नाप सकते हैं। ये देखिए 9.5 इंच इसका आ रहा है। आप इस तरीके से नाप के अपना पूरा कटिंग कर सकते हैं, परफेक्ट ब्लाउज बनेगा। ब्लाउज बनाने के लिए सिर्फ इतना ही नाप की आवश्यकता होती है।